नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक रूमर न्यूज़ चल रही है कि विराट कोहली के ऊपर, कंफर्म नहीं है बट अभी चल रही है कि मतलब विराट कोहली को जो है T20 वर्ल्ड कप जो जून में होने वाला है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर बात करें विराट कोहली के रिसेंट फॉर्म वगैरह की, तो विराट कोहली का जो फॉर्म है वो बहुत बेहतरीन है। और अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप को भी याद करें तो हमें 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और विराट कोहली ने वो अचीव करके दिखाया था। और जो इंडिया को जो पाकिस्तान के सामने जो हार का सामना करना पड़ता, तो विराट कोहली ने अकेले दम पे वो मैच जिताया था। और अगर इस पे बात करें तो इसमें जो है स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बेहतर प्लेयर का मतलब रिस्पॉन्स आया है कि अगर विराट कोहली जैसे सुपरस्टार का जो है अगर जून में जो होने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसमें अगर उनको शामिल नहीं किया जाता है तो ये जो है विराट कोहली के फैंस जो कि अमेरिका वगैरह में जो भी है उनके लिए बहुत मतलब जो मतलब दुखदाई होगा या मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो उनके प्लेयर्स उनके जो फैंस हैं वो डाई हार्टेड फैंस हैं। और वो तो मतलब अभी से ही बोल चुके हैं कि जो मतलब क्राउड जो देखने आएगा विराट कोहली का क्रिकेट जो कि न्यूयॉर्क में, तो अमेरिका में जो क्रिकेट वगैरह है उसको भी प्रमोशन मतलब मिलेगा और प्रमोट करेंगे अगर विराट कोहली नहीं होते, तो ये एक बहुत मतलब अच्छा साइन नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए। और अगर मैं बात करूं तो हम बात कर सकते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का अगर नहीं होना, तो हमें पता है हमने जो जितने भी फाइनल्स वगैरह अभी तक हम हारे हैं तो उसमें जो है हमें विराट कोहली जैसे एंकर प्लेयर की ज़रूरत है। और विराट कोहली ने रह के अपनी जो टीम में जो जगह है उसको जो है हमेशा 100% जो है जस्टिफाई किया है, तो विराट कोहली कोई मतलब लायबिलिटी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि विराट कोहली जैसा फॉर्म है, विराट कोहली एक एंकर प्लेयर चाहिए होता है जो कि मतलब टीम के अगर स्टार्टिंग के विकेट्स वगैरह गिर जाए तो उनको जो है संभाल के सिंगल डबल वगैरह करके और बीच बीच में चौके छक्के भी मार के तो टीम का जो रन है उनको चलाए। बट समझ में नहीं आता, इस पर अभी कन्फर्म नहीं है, बट जो है देखने वाली बात है अगर विराट कोहली को शामिल नहीं किया जाता है तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया का जो वो है उनको बताया जा रहा है कि यंग प्लेयर्सों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या जो न्यूज़ वगैरह आती है, तो इस खबर पे अपनी नज़र रहेगी, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। और दूसरी खबर आ रही है कि IPL 2024 से जो MS धोनी के क्रिकेटिंग फैंस है, तो MS धोनी को रेड बंडना में मतलब उनको देखा गया चैपॉक में मतलब देखा गया। और धोनी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 का IPL जो है वो फाइनल मतलब वो लास्ट बार MS धोनी को देखेंगे चेन्नई की सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए। तो देखने वाली बात होगी कि MS धोनी जो है उन्होंने जो लास्ट ईयर टाइटल जिताया था वो इस बार जिता पाते हैं या नहीं, या डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। और MS धोनी को खेलते हुए देखना मेरे जैसे क्रिकेटिंग फैंस के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि MS धोनी जो है कभी रिटायर ना हो IPL से। बट उनकी उम्र जो है 42 इयर्स के आसपास है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो मतलब अपने जो भी उनका पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर ध्यान दें, और वो अगर फिट नहीं है तो उनका खुद का डिसीजन है। बट IPL के फैंस, धोनी के फैंस के लिए जो है और IPL के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है कि MS धोनी ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और उन्हें देखा गया नो लुक सिक्स मारते हुए भी मतलब। तो MS धोनी के लिए भी और IPL के लिए भी बहुत बेहतरीन खबर आ रही है कि मतलब MS धोनी ने प्रैक्टिस वगैरह कर लिया है चैपबुक में। तो देखते हैं MS धोनी के ऊपर भी एक मतलब न्यूज़ है। उसके बाद जो है DC जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए मतलब जो उनके प्लेयर थे हैरी ब्रुक ने, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले जो है आपके जो मार्क वुड ने भी जो है LSG की तरफ से खेलते थे तो उन्होंने भी वापस अपना नाम लिया है, तो इस बार जो है हैरी ब्रुक ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो अब रिप्लेसमेंट क्या देती है मतलब दिल्ली कैपिटल्स, तो देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम मतलब किसको रिप्लेस करती है। और हैरी ब्रुक जैसा जो प्लेयर है वो इतने खतरनाक प्लेयर है, वो मतलब ओपनिंग भी कर सकते हैं, 3 नंबर पे भी खेल सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो उन जैसा मतलब आक्रामक प्लेयर अगर दिल्ली की टीम को ढूंढना मुश्किल होगा, बट उम्मीद है दिल्ली की टीम जो है रिप्लेसमेंट ढूंढ लेगी। और अगर वहीं बात करें जो आर अश्विन जो है अभी आपके अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें ODI मतलब बॉलिंग रैंकिंग की, उसमें नंबर 1 पे आ चुके हैं। उन्होंने जो है मतलब जसप्रीत बुमराह को 1 नंबर से हटा के वो आ चुके हैं नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे आपके जेस हेजलवुड जो है जो कि दो अंकों की छलांग लेके जसप्रीत बुमराह को अपने 3 नंबर पे जसप्रीत बुमराह। और मतलब आर अश्विन का जो फॉर्म परफॉर्मेंस रहा जो लास्ट जो मतलब टेस्ट सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनका तो उनको रिवॉर्ड मिलना था, और उन्होंने जो है ICC की रैंकिंग्स में पहला नंबर हासिल कर लिया है। और इसके लिए मतलब
इनको बधाइयाँ हो। और जितने भी क्रिकेटिंग फैंस वगैरह हैं, देखते हैं क्रिकेट वगैरह में जो भी खबरें वगैरह चल रहे हैं। और अगर बात करें, अभी एक मैच चल रहा है आपका बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में, पहला मतलब ODI मैच, और वो देखने वाली मैच है। बांग्लादेश की टीम ने मतलब बैटिंग कर रही है सेकंड, और श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए शायद 270 प्लस रन्स बनाए हैं, और 270 प्लस का टारगेट है। तो बांग्लादेश की टीम के जितने भी सपोर्टर्स वगैरह, उनको उम्मीद है उनकी टीम जो है अभी जो है वो स्कोर को चेज कर देगी। और श्रीलंका के जितने भी फैंस हैं, वो लोग मतलब सोचेंगे कि ये जो स्कोर है इसको जो है बांग्लादेश की टीम डिफेंड मतलब सक्सेसफुल चेज ना कर पाए, और श्रीलंका की टीम डिफेंड कर ले। तो जो अभी आपने देखा होगा, एक सेलिब्रेशन भी वायरल हुआ था टाइम आउट का, जो वो T20 सीरीज जीते थे 2-1 से श्रीलंका की टीम। तो मतलब मैचेस बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहे हैं, और जो मतलब हीटेड मूवमेंट्स भी आ रहे हैं मैच के बीच बीच में। तो देखते हैं पहला ODI कौन जीतता है। और ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट की मतलब खबरों के लिए या फिर मैचेस वगैरह की डिटेल्ड रिव्यू के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों वगैरह में ज़रूर फैलाइए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।